दोस्तों, जब से साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है, तभी से दर्शकों ने काफी एक्साइटमेंट दिखाई है इस फिल्म को लेकर। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री के सामने बॉलीवुड और हॉलीवुड ने अपने घुटने टेक दिए हैं? हम आपको बताएंगे कि आखिरकार साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दी है टक्कर, और उसी फिल्म के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जब से साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 बड़े पर्दे पर देखने को मिली है, तभी से दर्शक इस फिल्म में रॉकी के किरदार को पसंद किया, क्योंकि इस फिल्म में रॉकी किरदार को कोई और अभिनेता नहीं बल्कि यश निभाते नजर आए हैं, और इस फिल्म में इनकी बेहतरीन एक्टिंग और डायलॉग बाजी बहुत पसंद किए गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि इस फिल्म में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड को मात दे दी है? KGF चैप्टर 2 को मात देने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली देने वाली है, और इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फिल्म में KGF चैप्टर 2 की तरह ही काफी एक्शन और रोमांस का डबल डोज भी देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में सलमान खान के साथ बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री पूजा हेगड़े, कृति सेनन और अभिनेता आयुष शर्मा देखने को मिलेंगे, और यही सारे सितारे कभी ईद कभी दिवाली फिल्म में काम करते हुए यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को मात देने वाली है। तो वहीं कभी ईद कभी दिवाली को प्रोड्यूस करने वाले साजिद नाडियाडवाला डायरेक्टर नजर करते आएंगे तो वहीं कभी ईद कभी दिवाली को प्रोड्यूस करने वाले डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला भी नजर आएंगे, क्योंकि सारी फिल्मों को डायरेक्ट और सभी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई है इनकी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कभी ईद कभी दिवाली क्या यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 को मात दे पाएगी या फिर नहीं, या तो सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली दे पाएगी यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 को टक्कर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और रोजाना वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।